दोस्तों, वो बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि दुनिया कितनी सुंदर है, ये तो हमारी नजरिया ही बता सकती है। हमारी जो नजरे हैं वो किसमें कितनी खामियां और किसमें कितनी खूबियां है वो देखना चाहती है, उसी पर डिपेंड करती है। इसी पर आधार कर हमें फूलों में खुशबू और सुंदरता नजर आती है, तो जानवरों में प्यार आता है, और इंसानों में शादी के वक्त सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना या फिर सबसे ज्यादा हैंडसम लड़के से शादी करने की चाहत भी होती है। क्योंकि हम इंडियन हैं और हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ रूल्स अभी तक पुराने ही चलते हैं, जैसे कि शादी की उम्र आने से पहले ही, इससे पहले कि माँ बाप को अपनी लड़की की शादी की फिक्र हो, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी सोसाइटी को ज्यादा फिक्र होने लगती है। उनकी आंखों में जैसे चुभन हो जाती है कि कब ये शादी करे। और इसी मामले पर आधारित है आज की कहानी। पूरी ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितनी भी लड़कियां हैं, शहर में हो या गांव में हो, जो लव मैरिज कर लेती है उनकी बात तो अलग है, वो चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां, चाहे शहर में हो या गांव में हो, वो अपने माँ बाप की ओर सोचते हैं, अपनी इज्जत के बारे में समझते हैं और अपने करियर में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो काम में ज्यादा बिजी रहने के कारण शादीवादी के लिए थोड़ी सी देर कर ही लेती है। और देर यानी कि अपने जो अड़ोसी और हमारे जो पड़ोसी, हमारे सोसाइटी में इन लोगों की फिक्र का वक्त क्रॉस हो जाता है। माँ बाप के लिए कोशिश तो चालू रहती ही है, और इस कोशिश के दरमियान उस लड़की को कई बार कई लड़के वालों के सामने चाय की जो ट्रे है लेकर जाना पड़ता है। और हर बार की तरह आज की कहानी की लड़की को जितने बार भी देखने आए लड़के वाले, कोई ना कोई नुक्स निकाल कर चले ही गए। ये बेचारी परेशान थी, क्योंकि माँ बाप रिश्तेदार हमेशा, कोई भी लड़के वाले आने वाले होते तो पहले ब्यूटी पार्लर जाओ, थोड़ी ज्यादा सुंदर दिखोगी, हाइट कम है तो साड़ी पहनोगी तो ज्यादा लंबी लगोगी, हाई हील्स पहन लो तो ज्यादा अच्छी लगोगी, हाइट थोड़ा बढ़कर नजर आएगी। इस लड़की को हाई हील्स पहनने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी तो उसे इतनी तकलीफ होती थी, पैर में खरोच पड़ जाते, लेकिन उसे हाई हील्स ही पहनकर रहना पड़ता था। इस बार वो बहुत परेशान थी, और लड़के वाले आए, लड़के वालों के सामने सारी रिचुअल्स कंप्लीट हुई, फिर लड़का लड़की में बात करने की टर्न आई, क्योंकि बातें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। अब लड़के ने लड़की से पूछा, आपकी एक कोई भी पसंदीदा चीज और एक कोई भी ना पसंदीदा चीज आप मुझसे शेयर कीजिए। तो लड़की ने कहा, सबसे अच्छा गाना सुनने में लगता है और सबसे बुरा हाई हील्स पहनने में लगता है। तब लड़के ने देखा कि लड़की के पैर में खरोच आ गई और उसने हाई हील्स पहनी हुई है। उसके बाद वाले दिन ने उस लड़की की बर्थडे भी था, तो लड़के ने विश किया और फोन पर विश करते हुए कहा कि मैंने गिफ्ट भेजी है, आपने वो गिफ्ट बॉक्स खोला है क्या? तो लड़की ने बोला, नहीं। तो बोला, मैं जब तक फोन पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फोन पर रुके रहते वक्त ही इस गिफ्ट बॉक्स को खोले और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। लड़की ने गिफ्ट बॉक्स खोली और इसके अंदर पाया बहुत आरामदायक स्लीपर्स थे। वो जैसे समझ चुकी थी कि इस लड़के को उसकी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वो आजादी है जो वो चाहती है, और वो शादी के लिए हाँ कर दी। कैसे लगे आज की स्टोरी? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो अपनों में इसे शेयर कीजिएगा और लाइक का कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे अर्चना, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ। अगले वीडियो में लेकर आऊंगी एक नई कहानी, तब तक रखिए अपना ख्याल। लव यू ऑल।